नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैंने खाने में बनाया था कच्चे केले की टेस्टी कोफ्ता कढ़ी, साथ ही में खोबा रोटी, प्लेन राइस और हेल्दी रायता। इसे बनाने में बहुत कम समय लगा मुझे, लेकिन सारी चीज़ें बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोग भी एक बार मेरे तरीके से ये कच्चे केले की कोफ्ता कढ़ी बनाइएगा और मेरे ही तरीके से रायता बनाइएगा। बहुत टेस्टी बनी थी और एक खोबा रोटी तो एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ था। और सबसे अच्छी बात है कि जो ये इसमें कोफ्ते थे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट बने थे। परफेक्ट कच्चे केले का कोफ्ता कढ़ी की रेसिपी है। तो एंड तक वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी तो एक लाइक कर दिया कीजिए और कॉमेंट्स में बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है ये कच्चे वाले केले, इन्हें अच्छे से धो के कुकर में डाल दिया और लगभग डेढ़ ग्लास के करीब पानी डाल करके गैस स्टार्ट करके इसे दो सीटी आने के लिए रख दिया गैस पे। और जब तक कि मतलब केले पक रहे हैं ना, तब तक हम मैंने प्याज ले लिया है, अदरक लहसुन और टमाटर दो ले लिया है। तो प्याज को कट कर लेंगे, छिलका निकाल लेंगे और साथ ही में लहसुन की भी छिलका निकाल कर लहसुन तैयार कर लिया और दो टमाटर है जिन्हें कट कर लेंगे। तो प्याज को मैं है ना रफली कट करूँगी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं कट करना है, बारीक नहीं कट करना है। और गैस भी बंद कर दिया क्योंकि दूसरी सीटी आ गई थी, कुकर को ठंडा होने देते हैं उसे। और प्याज को रफली कट कर लिया, साथ ही में हम जो अदरक लहसुन है इसे भी कट कर लेंगे। टमाटर को भी बिल्कुल मोटे मोटे क्यूब में कट कर लूँगी। अब इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो पेस्ट बनाने के लिए मिक्सी का जार ले लिया है मैंने और सबसे पहले प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाएंगे, टमाटर का बाद में पेस्ट बनाऊंगी मैं। और इसे बिल्कुल बारीक पीस लूँगी बिना पानी के। तो ये हमारा तैयार हो गया प्याज का बारीक वाला पेस्ट। तो इसे रख देते हैं साइड में और खूब सारा हरा हरा धनिया पत्ता जो है उसे कट कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा कुकर भी बढ़िया सा ठंडा हो चुका है तो केले को चलिए चेक कर लेती हूँ। तो ये हमारा जो केला है वो भी अच्छे से पक करके बॉइल्ड होके तैयार है। अब इसका छिलका निकालने की बारी है तो फटाफट से मैं छिलके को निकाल लूँगी। आप इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा उसके बाद निकालिएगा। मैंने इसे गर्मा गर्म में ही सारे छिलके को निकाल के रख दिया ताकि केले बढ़िया से हमारे ठंडे हो जाएँ। तो बस बहुत ही सावधानी से निकालिएगा अगर आप गर्म में निकाल रहे हो तो, और नहीं तो बढ़िया सा ठंडा होने के बाद भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर केले का छिलका निकाल के तैयार कर लिया, इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया मैंने। और फिर से कुकर गर्म करने के बाद एक बड़ा चम्मच तेल डाला, उसमें डाल दिया जीरा और उसी के साथ हमने जो पेस्ट बना के तैयार किया था प्याज अदरक लहसुन वाला उसे भी डाल दिया। और अब इस पेस्ट को बढ़िया से हम जीरा और तेल के साथ भुनने देंगे जब तक कि इसका कलर हल्का सा ब्राउनिश नहीं आ जाता है। और तब तक मैं एक तरफ चावल भी कुकर में धो करके बिठा देती हूँ ताकि साथी में हमारा चावल भी बनके तैयार हो जाए। और यहाँ पर ये देखिए बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन हो गया है पेस्ट। तो मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल दिया और साथ ही में कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला। और अच्छे से सारी चीज़ों को अब हमें भुनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर मसाले और प्याज अदरक जो है कुछ सेकंड के लिए भून लिया था मैंने। अब इसमें साथ ही में ऐड कर दूंगी टमाटर और धनिया पत्ता साथ में डाल के मैं पीस ली थी, स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। और अच्छे से इन सारी चीज़ों को, मसालों को, टमाटर को बढ़िया सा पकने देते हैं जब तक ऑयल बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाता है। और जब तक ये होता है मतलब मसाले भूनते हैं तब तक हम कोफ्ते की तैयारी करते हैं। तो कच्चे केले में डाल दिया 3 बड़े चम्मच बेसन, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के हाथों से, नहीं तो फिर आप इस तरीके से मैश कर लीजिए। मैंने इस तरीके से मैश करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ तो फिर हाथों का इस्तेमाल करके बढ़िया सा मैंने सारी चीज़ों को मिक्स की और फिर छोटे छोटे से बना लिए बॉल। तो कुछ बॉल मैंने सादे बनाए हैं क्योंकि जो मेरे ससुर जी हैं उन्हें काजू नहीं पसंद है, इसीलिए उनके लिए प्लेन वाले बॉल बनाए मैंने जो बाद में मैं चपटा कर दूंगी ताकि समझ में आए कि किसमें काजू डाला और किसमें नहीं। और कुछ बॉल मैं काजू अंदर स्टफ़ करके बना रही हूँ, काजू वाले बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो आप जब भी बनाइएगा तो इस तरीके से काजू स्टफ़ करके बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है फिर ये कोफ्ता खाने में। तो सारे जो केले के कोफ्ते हैं वो बनके तैयार हो गए हैं, इसे रखते हैं साइड में और हमारा मसाला देख लेती हूँ मैं। तो ये भी बढ़िया सा ऑयल सेपरेट हो चुका है, बढ़िया से मसाले में से खुशबू आ रही है, परफेक्ट मसाला भुन के तैयार है। तो अब इसमें मैं डालूँगी
डेढ़ ग्लास करीबन पानी, वो शूट नहीं हो पाया, ये अब भी पानी मैंने ऐड किया है। और खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया पत्ता अच्छे से मिला दूंगी और फिर इसे ढक करके 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल धीमे आंच पे पकने देते हैं और तब तक मैं फ्राई कर लूँगी कोफ्तों को। तो ये गर्मा गर्म तेल में डालेंगे कोफ्ते जितने एक बार में फ्राई हो सकते हैं और बढ़िया सा धीमे आँच पर स्लो फ्लेम पर हम इसे पलटते पलटते हुए बढ़िया सा फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कुछ कोफ्ते चपटे हैं ना, इसमें काजू नहीं है, जो जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे ससुर जी को नहीं पसंद है काजू, तो उनके लिए मैं प्लेन बनाती हूँ। और यहाँ पर अलटते पलटते हुए इसे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे हम। थोड़ा समय लगता है, 3 से 4 मिनट का आपको समय लगेगा, लेकिन धीमे आंच पे आप इसे अच्छे से फ्राई कीजिएगा, हाई फ्लेम पे नहीं। और बस इस गर्मा गर्म कोफ्ते को हम डालेंगे इस गर्मा गर्म ग्रेवी के अंदर। तो ये रहे, देखिए ग्रेवी भी परफेक्ट है, बनके तैयार हो चुकी है। तो अब ये गर्मा गर्म चला जाएगा बॉल्स इस ग्रेवी के अंदर और एक बारी अच्छे से हम चला देंगे और फिर से ढक करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो लगभग यहाँ पर हो चुका है, 3 मिनट लीड हटाती हूँ और ये हमारी कच्चे केले की कोफ्ता कड़ी बनके तैयार है। बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी लगती है मतलब खाने में। थोड़ा सा धनिया पत्ता ऊपर से डालेंगे और गैस को कर दूंगी बंद और इसे मैं ढक दूंगी और ढक्कन लगा के लगभग 5 मिनट रहने दे और उसके बाद फिर मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ ये कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। तो बस इस बाउल को साइड में रखते हैं और इसके साथ खाने के लिए अब मैं बनाऊँगी खोबा रोटी। तो गेहूँ का आटा लिया है, हल्दी पाउडर डाल दूंगी इसमें, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल के, अजवाइन आधी छोटी चम्मच के करीबन है उसे डालेंगे और थोड़ा सा घी डालूंगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हम आटा लगा लेंगे, जैसे कि रोटी और पूड़ी के लिए लगाते हैं सेम वैसे ही आटा हमें लगाना है। तो यहाँ पर जो आटा है वो भी मैंने परफेक्टली बनाकर मतलब कि लगाकर तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसे रेस्ट करने के लिए रख सकते हो और नहीं तो फिर फटाफट से आप रोटी बना सकते हो। तो बस ये आटा तैयार हो गया है हमारा, तो मैं इसमें 2 रोटियां बनाऊंगी क्योंकि ये जो खोबा रोटी है हल्की सी मोटी बनती है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनती है और ये राजस्थान की फेमस रोटी है। तो इसको अब हम गोल बेल लेंगे और ये देखिए थोड़ा सा मैंने मोटा ही रखा है, तो इतना आपको मोटा रखना है ठीक है। और फिर तवा गर्म होने के लिए रख देंगे। तवा गर्म बढ़िया सा हो गया है तो रोटी डालेंगे इसके ऊपर, एक तरफ से बढ़िया सिकने देंगे और फिर इसे पलटेंगे। और अब जो है इस पर हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं, पेन से नहीं हाथों से, जैसे हम चींटी काटते हैं ना चींटी, वैसे चींटी काटना है और नहीं तो चिमटा से आप कर सकते हैं क्योंकि हाथ से है ना थोड़ा गर्म होता है ना रोटी, तो हाथ थोड़ा जलने की मतलब जलता है थोड़ा सा, इसके लिए चिमटे से भी इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। और कितना खूबसूरत लग रहा है ये डिज़ाइन। पकने देंगे बढ़िया से, फिर इसे पलटेंगे, फिर से दोनों साइड से जब अच्छे से पक जाएगा, परफेक्ट हमारी रोटी पक के तैयार हो गई है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब इसमें हम डालेंगे शुद्ध देसी घी को, तो घी अच्छे से हमें फैलाना है रोटी के ऊपर। तो इस तरीके से जब मैंने डाला तो ये पूरे अच्छे से नहीं फैला, तो मैंने भी सोचा चलो अब अच्छे से फैलाने के लिए थोड़ा कष्ट हाथों को देना पड़ेगा, तो इसे उठाया और इस तरीके से मतलब चारों तरफ रोटी को गोल घुमाकर घी जो है इसके अंदर तक मैंने पूरे अच्छे से स्प्रेड किया। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये रोटी, ना सिर्फ प्लेन भी अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। मैं भी फर्स्ट टाइम इसे बनाई थी लेकिन पहले बार में ही ये मेरी फेवरेट बन गई ये रोटी। और अच्छे तरीके से ये हमारी खोबा रोटी भी बनके तैयार है। अब फटाफट वाला हम बना लेंगे रायता। तो थोड़ा सा बीटरूट ग्रेट कर लिया था, थोड़ा सा खीरा था उसे ग्रेट कर लिया था, हरी मिर्च कट कर ली और धनिया पत्ता बारीक बारीक कट कर लिया। अब निकालेंगे हम फ्रीज में से ठंडा ठंडा वाला दही और दही को डाल देंगे एक बड़े से बाउल में। और इसमें हमने जो कट करके ग्रेट करके सब्जियां रखी हैं, बीटरूट और खीरा और हरी मिर्च धनिया पत्ता, सारी चीज़ों को इकट्ठे इसके अंदर डाल देंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, चाट नमक और थोड़ा सा डाल देंगे भुना हुआ जीरा का पाउडर। मैं नमक नहीं डालती हूँ रायते में, अगर आप नमक डालते हो तो थोड़ा सा आप नमक डाल लीजिएगा। और अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ों को, बहुत ही सुंदर सा कलर आता है जब बीटरूट हम ऐड करते हैं। वैसे आप सिर्फ खीरा से भी बना सकते हो लेकिन बीटरूट हो तो ज़रूर डालिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। फटाफट से थाली जो है हम मतलब कि लगा लेते हैं खाने के लिए। तो ये हमारी गर्मा गर्म खोबा रोटी, साथ ही में प्लेन वाला राइस और बहुत टेस्टी वाली
कच्चे केले की कोफ्ता करी और हेल्दी वाला रायता। बहुत ही सिंपल थाली है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और खा के बहुत ही सेटिस्फाई महसूस होता है। मतलब पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है, इतनी लाजवाब ये थाली है। तो आप लोग भी एक बार बनाइएगा और मेरी वीडियो अगर आप एंड तक देख रहे हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप सभी से विनती है कि वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।